नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों अभी फिलहाल हम यहां पर बात करने वाले कुछ क्रिप्टो अपडेट्स को लेकर, तो देर नहीं करते शुरुआत करते हैं अपने पहले अपडेट से। दोस्तों अपने अपडेट शुरू करने के पहले सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा जो एयरड्रॉप वाला चैनल है टेलीग्राम वाला, अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर अभी हमने दो यहाँ पर एयरड्रॉप भी शेयर किए हुए जो कि जीने ने, पहला है डे ट्रेड और दूसरा है लॉजिस्टिक्स। बकाया वहाँ पर आपको सारे रीजन भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो उस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उस पर एक पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो हमने दोस्तों एक सेपरेट चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर ही। उसका लिंक आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बकाया जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको बस ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो अपडेट्स है भी उनको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस विजन को लेकर, और यहाँ पर एक पार्टनरशिप सामने आई है जो कि जुड़ी हुई है सुपर जॉब के साथ। ये एक B2B एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है और इसके पास अभी यहाँ पर 1500 स्टोर्स हैं, और ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये लोग अभी 30,000 और स्टोर्स जोड़ें अपने साथ। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा नंबर ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और इवन न्यूक्लियस विजन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप अभी बात करते हैं न्यूक्लियस विजन को लेकर, तो न्यूक्लियस विजन इवन गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है। और एक आपने काफ़ी बड़ा नाम सुना होगा पेटीएम का, पेटीएम के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है और वहाँ पर भी इनकी जो सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इनका फंडा क्या है कि जो इनकी सर्विसेज हैं, एक तरह के ये लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं न्यूरॉन नेटवर्क, जो कि एक तरह की आप कह लीजिए मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और दोस्तों ये इस तरह से काम करता है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के पास, उनको ये उनका जो बिहेवियर होता है उसको समझने के लिए हेल्प करते हैं। अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि कौन प्लेटफॉर्म नहीं चाहेगा कि वो अपने कस्टमर को समझे और उनके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराए। और इस तरह में दोस्तों दोनों का बेनिफिशियल होता है, कस्टमर का भी होता है और जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर उसका भी यहाँ पर फ़ायदा होता है। अभी दोस्तों पेटीएम की बात करेंगे, तो अगर पेटीएम में भी अगर आपका जो बिहेवियर है वो अगर पेटीएम समझना शुरू कर देता है, तो आपके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर कर सकता है। और मे भी शायद उसके बाद आपको इतना सर्व भी ना करना पड़े, लेकिन दोस्तों ये तो जब सर्विसेज आ जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यूज केस की आप बात करेंगे तो एक बड़ा यूज केस है, इवन जितने भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हो, भले वो अमेज़ॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर इवन आप छोटे मोटे जो मॉल्स वगैरह भी होते हैं, आप वहाँ पर भी देखना चाहेंगे, तो हर कोई ये चाहता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके यहाँ पर पहचाने, उनके बिहेवियर को देखें और उसके अकॉर्डिंग उनके यहाँ पर जो सर्विसेज ऑफर करें, प्रोडक्ट ऑफर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही प्रॉफिट बचाएं और समय भी बचाएं। कल दोस्तों अभी बात करते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि है पुंडी एक्स को लेकर। और पुंडी एक्स दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा यूज केस लेकर आगे बढ़ रहा है। इनके पास इनकी खुद की POS डिवाइसेज है जो कि क्रिप्टो करेंसीज सपोर्ट करती हैं। इनके पास इनका एक्स पास कार्ड है जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा यूज केस है इनके पास। आप INR जो भी फिएट करेंसी किसी देश की, अगर उस देश में इनकी सर्विसेज सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर आप फिएट करेंसी से आप रिचार्ज कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और वहीं का वहीं इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। इवन ये लोग अपनी मोबाइल की ऐप भी ऑफर करते हैं, उसके थ्रू भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या होना है कि ताइवान में अभी एक यहाँ पर इवेंट होना है, अराउंड यहाँ पर 30,000 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इनका एक्स पास कार्ड, और उसके थ्रू यहाँ पर एक अल्ट्रा कॉइन है वो भी सपोर्ट करेगा, और उस कॉइन के द्वारा ही यहाँ पर होने वाला है पेमेंट। मतलब अल्ट्रा कॉइन को भी लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो पेमेंट करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर जो अल्ट्रा ताइवान 2018 का जो इवेंट है, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि ये लोग यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली अगर देखा है तो यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक फेस्टिवल होता है ये। जो भी यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट DJ वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर सारे मतलब आते हैं, अपने आप को फीचर करते हैं। तो यहाँ पर इवन इस बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस बार पुंडी एक्स का भी मतलब नाम सामने आएगा, क्योंकि दोस्तों पुंडी एक्स के लिए भी एक बड़ी बात होगी। और इवन दोस्तों आप यूज केस की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पर पुंडी एक्स का जो यूज केस है वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी तरीके से लोग प्लान भी कर रहे हैं कि इवन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं उसके साथ भी लोग पार्टनरशिप करने में लगे हुए, और मकसद ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट करें और लोग यहाँ पर उसको फिएट में अपना कन्वर्ट कर पाएँ या फिर फिएट से क्रिप्टो करेंसीज वगैरह खरीद पाएँ। खैर दोस्तों पुंडी एक्स का भी एक और अपडेट था जो कि ऑलरेडी हम इसे शेयर कर चुके हैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी, और शायद मैंने इसको वीडियो पर भी बताया है किसी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार जो इनका एयर ड्रॉप होगा जो महीने के लास्ट में होता है वो लास्ट एयर ड्रॉप होगा, और उसके बाद जो अगले महीने से एयर ड्रॉप चलेगा वो रैंडम डेट पर पिक किया जाएगा। और रीजन दोस्तों ये था कि जितने बार भी यहाँ पर स्नैपशॉट होता था उसके बाद जस्ट बाद से यहाँ पर इसका जो प्राइस अचानक से गिरना शुरू हो जाता था, और इस वजह से इनकी जो क्रिप्टो करेंसी NPXS उसका प्राइस भी नहीं बढ़ पा रहा था। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कम्युनिटी वोट के आधार पर कि अब जो यहाँ पर स्नैपशॉट होगा वो रैंडम डेट पर किया जाएगा। तो अगर आपको रिसीव करना है इनका एयरड्रॉप तो आपको उसको पूरे महीने होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कब भी ये स्नैपशॉट ले लेंगे पता नहीं चल पाएगा। इस महीने जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन अगले महीने से ये प्रोसेस इनका चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी अपने पास 4 महीने हैं, और 4 महीने में आपको यहाँ पर जो इनका परसेंट चल रहा था 7% वाला, 7.3% समथिंग करके,
वो आपको मिलता रहेगा। इसके बाद जो इनका प्रोसीजर था वैसे ही वैसे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अब जो भी स्नैपशॉट होंगे वो रैंडम डेट पर होंगे। और हाँ दोस्तों, एक और छोटा सा अपडेट था जो कि जुड़ा हुआ है पुंडीएक्स के साथ ही। इनका अभी जैसा कि हम बता रहे हैं कि यूज़ केस काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अच्छा खासा प्रोडक्ट भी है इनके पास, तो ये लोग अपनी पार्टनरशिप भी करने में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर एक और फर्म है जिसका नाम है मेंटिकोरा कैपिटल, उसके साथ भी इनका भी इनकी एक पार्टनरशिप हुई है और अराउंड ये अपनी 1000 डिवाइसेस अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इनके स्टोर्स में। खैर दोस्तों, अभी दो और छोटे छोटे अपडेट हैं और वैसे इन पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है इसलिए आपके साथ एक बार शेयर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एप्पल के को फाउंडर हैं जिनका नाम है स्टीव वॉजनिक, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और थोड़ा सा इन्होंने कंपेरिजन भी किया था इथेरियम के साथ कि जिस तरीके से आप इनका जो ऐप स्टोर है एप्पल का, वहाँ पर आप डेवलपमेंट करके अवेलेबल कराते हैं किसी भी ऐप को दूसरे लोगों को डाउनलोड करने के लिए, उसी तरीके से आपको यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल जाता है जैसा कि इनका यहाँ पर कहना है। खैर दोस्तों, अच्छी बात है कि ये भी यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नया देखने को जल्दी मिलना चाहिए। और दोस्तों, बस आप धीरे धीरे देखते जाइए कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े नाम हैं सब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, फेसबुक, एप्पल, सैमसंग, वावे, सारे जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जिनके पास यहाँ पर कोई एक्चुअल में रियल टाइम प्रोडक्ट नहीं है, तो वहाँ से थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। खैर दोस्तों, अभी हम बात करते हैं विकीपीडिया को लेकर, और एक छोटा सा अपडेट ये भी था जो कि अच्छा था। बेसिकली दोस्तों, इनका भी एक राइवल यहाँ पर आ गया है एवरीपीडिया करके, वैसे काफ़ी टाइम से इनके अपडेट यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि अगर जैसे कि आप विकीपीडिया पे क्या करते हैं कि आपने कंटेंट शेयर किया या फिर उसको एडिट किया, तो उसकी जगह पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, कुछ अर्निंग करने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो ये कुछ आपको रिवार्ड भी देंगे। अगर अपना कोई कंटेंट शेयर करते हैं या फिर कुछ एडिट वगैरह भी करते हैं जाकर, तो उस जगह पर आपके कुछ रिवार्ड वगैरह भी ऑफर करेंगे। अब दोस्तों, आने वाला प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे ही बनने वाला है, इवन फेसबुक भी हो सकता है ऐसे कुछ प्लान करे, क्योंकि ये लोग भी ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिले और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जो कि बेसिकली स्टार्टअप टाइप के ही हैं, वो इस तरह के प्लान लेकर सामने आ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर कंटेंट शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस जगह पे आपको कुछ अर्निंग हो जाती है। तो फेसबुक वगैरह भी ऐसा कुछ प्लान करेंगे और आने वाला टाइम होने वाला भी इन्हीं सारी चीज़ों का है कि अगर आप अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को मिलना चाहिए। तो वैसे कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिला जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है। और इस तरह में दोस्तों होगा क्या कि कोई भी बंदा यहाँ पर खाली नहीं बैठेगा, अगर आप यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों, यही कुछ अपडेट थे जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ इशू हो आपको तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर कुछ जानना चाहते हैं हमारे आने वाले वीडियोस में तो आप नीचे उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम कंसीडर करेंगे कि उसको आने वाले वीडियोज़ में उसको भी लेकर आएँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक भी पहुँच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।